नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आज मैं फिर से आप सभी के लिए बहुत ही बेहतरीन वीडियो लेके आया हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है SARC के ऊपर, जो आपके क्लास 12th के पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है और इस बार आपके सिलेबस में आने वाला है। तो आइए शुरुआत करते हैं SARC के बारे में। SARC के पूरे जीवन कुंडली को पढ़ते हैं सही तरीके से। सबसे पहले स्लाइड में हमारा कहता है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, हिंदी में जो नाम है SARC का उसे हम क्या कहते हैं, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, जिसे इंग्लिश में हम शॉर्ट में SARC के नाम से जानते हैं। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन को अगर आपको डिटेल्स में बताना पड़े इंग्लिश में इसका, तो आप क्या बताएंगे, द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, जिसको हम शॉर्ट्स में SAARC के नाम से जानते हैं। इसकी स्थापना, इसको कब बनाया गया, इसकी स्थापना कब हुई, 8 दिसंबर 1985 को ढाका में SARC चार्टर पर हस्ताक्षर के साथ की गई। ध्यान से समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसकी स्थापना जो है, इसका निर्माण जो है, इसकी शुरुआत जो है कब हुआ, 8 दिसंबर 1985 को कहां, ढाका में, एक हस्ताक्षर पेपर पर सिग्नेचर करके इसके सहयोगी देश जो थे उन्होंने हस्ताक्षर किया और इसका निर्माण हो गया। किसका, SARC का, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, और इंग्लिश में द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। तो इस तरह से मैं अब आगे की तरफ बढ़ता हूं। दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय सहयोग का विचार सर्वप्रथम नवंबर 1980 में सामने आया। इसके बनाने के पीछे अगर तथ्य की बात की जाए तो यह सबसे पहले विचार में कब आया, तो 1980 में आया। इसके 7 संस्थापक देश हैं। शुरुआत जो किया गया SARC का, उसके 7 जो है वो संस्थापक देशों में आते हैं। उनका नाम है बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीप, नेपाल, पाकिस्तान एवं श्रीलंका। ध्यान से समझिएगा, यही 7 जो देश हैं कौन, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीप, नेपाल, पाकिस्तान एवं श्रीलंका, इन्हीं को हम इसके संस्थापक देश के रूप में देखते हैं। और विदेश के जो सचिव होते हैं, हर एक देश के एक विदेश सचिव होते हैं ना, उन्हीं के परामर्श के बाद इसकी प्रथम सभा अप्रैल 1981 में कोलंबिया में हुई थी। ध्यान से समझिएगा, जो विदेशी सचिव होते हैं, जो हर एक देश के एक विदेश सचिव होते हैं, उन्हीं के आपस में मीटिंग होने के बाद और विचार विमर्श करने के बाद अप्रैल 1981 में इसकी मीटिंग हुई, कहां पे, कोलंबिया में हुई थी। अफगानिस्तान को वर्ष 2005 में आयोजित हुए 13वें वार्षिक शिखर सम्मेलन में SARC का सबसे नया सदस्य बनाया गया। जो सबसे अंत में और सबसे लेटेस्ट इसका कोई देश है जो इसके मतलब इसके साथ जुड़ा है, किसके साथ, SARC के साथ, वो कौन है, अफगानिस्तान है। सबसे बाद में, सबसे अंत में अफगानिस्तान को इसमें जोड़ा गया है। कब जोड़ा गया है, 2005 में जोड़ा गया है। इस संगठन का मुख्यालय कहाँ है, नेपाल काठमांडू में। अगर आपको SARC सम्मेलन तो समझ गए, SARC समझ गए, तो SARC के अगर हेडक्वार्टर या मुख्यालय की बात की जाए तो ये नेपाल में है, जिसका काठमांडू जो जगह है वहां पे ये स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट, MCQ में अक्सर पूछा जाता है। आगे की स्लाइड में हमें से पूछा जा सकता है कि इसके सदस्य देशों के नाम बताइए, कि कौन कौन से देश हैं जो इसके सदस्य देश हैं, जो इसके साथ काम कर रहे हैं। तो आपको बताना पड़ेगा, अफगानिस्तान तो है ही, बांग्लादेश है, भूटान है, भारत है, मालदीप है, नेपाल है, पाकिस्तान है और श्रीलंका है। सबसे अंत में जो जुड़ा है, सबसे लेटेस्ट में 2005 में, वो कौन जुड़ा है, अफगानिस्तान जुड़ा है। तो टोटल इस तरह से देख सकते हैं, अभी 8 देशों की संख्या है SARC के अंदर में। वर्तमान में SARC में 9 पर्यवेक्षक सदस्य देश भी है। अब यहाँ पे एक बहुत अहम मुद्दा उठ गया है कि भैया हम तो समझ गए कि SARC एक संगठन है, उसके अंदर 8 देश है, पहले 7 था, बाद में अफगानिस्तान को जोड़ दिए तो 8 हो गया, तो ये पर्यवेक्षक देश 9 कहां से आ गया, ये पर्यवेक्षक देश क्या होता है। तो ये वही पर्यवेक्षक देश हैं जिनके अंतर्गत SARC देखरेख में चल रहा है, SARC के ऊपर नजर रखते हैं, SARC को अपनी सहमति से चला रहे हैं। तो ये कौन से देश हैं, तो ये ऑस्ट्रेलिया है, दूसरा यूरोपियन यूनियन है, यूएन जो होता है, ईरान है, जापान है, रिपब्लिक ऑफ कोरिया है, मॉरिशस है, म्यांमार है और संयुक्त राज्य अमेरिका है। यही वो 9 देश हैं जिनके पर्यवेक्षण में, जिनके देखरेख में SARC को चलाया जा रहा है, और SARC के सदस्यों की संख्या यहां पे आपको 8 समझ में आ गई होगी। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है संगठन के कार्य क्षेत्र, जो SARC बनाया गया
वो सार्क बनाने के पीछे मकसद क्या है, किन कारणों से सार्क को बनाया गया, और अगर ये बन के तैयार हो गया है तो ये कौन कौन से कार्यों को कर रहा है। तो सबसे पहले मानव संसाधन विकास एवं पर्यटन, इसके ऊपर सार्क जो है बहुत तेजी से काम कर रहा है। कृषि एवं ग्रामीण विकास, कृषि मतलब खेती बाड़ी और ग्रामीण में रहने वाले जो गाँव वगैरह में लोग रहते हैं उनके जीवन को बेहतर बनाने के लिए काम कर रहा है। पर्यावरण प्राकृतिक आपदा, पर्यावरण को भी सुरक्षित करना सार्क का काम है। और दूसरी बात, अगर कहीं पर्यावरण आपदा आता है, कहीं बादल फट जाते हैं, भूकंप आ जाता है या किसी अन्य प्रकार के बाढ़ तूफान कुछ भी हो जाए तो इससे जो समस्याएं उत्पन्न होती है इसके ऊपर भी इसका समाधान ढूंढने का काम सार्क का होता है। आर्थिक व्यापार, आर्थिक स्थिति, किसी भी देश का इकोनॉमिकल सिस्टम जो मजबूत करना है ये सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा रखता है एक संगठन के लिए, कैसे उसके अंतर्गत आने वाले देश जो है वो ज्यादा से ज्यादा आर्थिक स्थिति में मजबूत हो, इसलिए वो व्यापार के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देता है। सामाजिक मुद्दे, समाज में चल रहे जितने भी मुद्दे हैं उनके ऊपर भी सार्क की नजर होती है। गरीबी उन्मूलन, जो गरीब लोग हैं उनको सुधारने के लिए सार्क काम करता है। ऊर्जा परिवहन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, ऊर्जा को सुधारने के लिए, सड़क निर्माण या परिवहन को सुधारने के लिए एवं प्रौद्योगिकी को सुधारने के लिए भी सार्क जो है बहुत ही बेहतरीन तरीके से काम करता जा रहा है। शिक्षा के ऊपर भी काम कर रहा है, सुरक्षा के ऊपर भी काम कर रहा है और साथ ही साथ इस संगठन के अंतर्गत आने वाले देशों की संस्कृति को भी बचाने का काम कर रहा है। इस तरह से आप समझ गए कि सार्क जो है वो किस तरह के कार्य अपने आने वाले अंतर्गत जो आने वाले देश हैं उनके लिए कर रहा है। आगे की स्लाइड में एक बार बढ़ते हैं, सार्क का उद्देश्य क्या है। तो देखिए, दक्षिण एशिया के लोगों के कल्याण को बढ़ावा देना एवं उनके जीवन के गुणवत्ता में सुधार लाना। दक्षिण एशिया कहने का मतलब है ऐसा देश जो इनके संगठन के अंतर्गत आते हैं उनके जीवन को कल्याण पूर्ण बनाना है, बहुत ही बेहतर बनाना है और उनके जीवन के गुणवत्ता में सुधार लाना है। मतलब कैसे भी करके उनको गरीबी से दूर करना है, शिक्षित करना है, बेरोजगारी को खत्म करना है ताकि उनके जीवन में बेहतरीन जीवन वो जी सके। इस क्षेत्र में आर्थिक वृद्धि, सामाजिक प्रगति, सांस्कृतिक विकास में तेजी लाना। जो सार्क है वो क्या करता है, आर्थिक वृद्धि करता है, मतलब इकोनॉमिकल सिस्टम को बढ़ाता है, सामाजिक प्रगति करता है, समाज को सुधारता है और सांस्कृतिक विकास भी करता है। ऐसा नहीं है कि हर एक देश की संस्कृति को आप खत्म कर दीजिए, नहीं, संस्कृति को ध्यान रखते हुए वो इन तरह की तेजी को करता जा रहा है। दक्षिण एशिया के देशों में मध्य सामूहिक आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना और उसे मजबूत करना, लोगों को सेल्फ इंडिपेंडेंट कर रहा है। इसका मतलब है अपने पैरों पर खड़े हो जाइए, खुद से रोजगार कीजिए, खुद का बिजनेस कीजिए और अपने आप को सेल्फ इंडिपेंडेंट बनाइए, किसी पर निर्भर मत रहिए, आत्मनिर्भर बनिए, अपने ऊपर इतना हुकूमत, इतना काबू लाइए कि आप किसी भी काम को कर सकते हैं। इसके लिए शिक्षा होना जरूरी है, तो शिक्षा में सुधार कर रहा है, बेरोजगारी को दूर कर रहा है, बिजनेस के नए नए आइडियाज ला रहा है। कौन? सार्क। एक दूसरे की समस्याओं का मूल्यांकन, आपसी विश्वास और समझ को बढ़ावा देना, इसके देश के अंतर्गत आने वाले कई सारे देश हैं। अगर आपसी तालमेल नहीं होगा, आपसी संतुलन नहीं होगा, सामंजस्य नहीं होगा तो ये देश बिखर जाएंगे, एक दूसरे से अटैक कर देंगे, आपस में ही लड़ने लगेंगे। इसलिए ये क्या करता है, समस्याओं का मूल्यांकन करता है, देखता है कौन से देश में क्या समस्या है, फिर उसको दूर करता है। अन्य विकासशील देशों के साथ साथ सहयोग को मजबूत करना। जो इसके अंतर्गत देश आते हैं वो तो ठीक है, जो नहीं आते हैं और वो विकासशील है उससे भी अपने इन संगठन के अंदर आने वाले देशों को जोड़ता है ताकि ये और ज्यादा विकास कर सके। मतलब दूसरे जो विकासशील देश हैं उनके साथ अपने संगठन के अंतर्गत आने वाले देशों को जोड़ता है ताकि ये व्यापार करे, बिजनेस करे, उनके मॉडल को समझे, उनके संस्कृति को देखे, उनके सामाजिक तौर तरीकों को देखे, उनके आर्थिक व्यवस्था को देखे और फिर वो अपने हिसाब से अपने को मजबूत करने की कोशिश करता है। तो इस तरह से आपने सार्क का उद्देश्य समझ लिया। यहां पे मैंने आपको सार्क के बारे में ना सब कुछ बता दिया। यदि आपको सार्क के बारे में बताई गई जानकारी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम फिर आपके साथ रूबरू होंगे अगले टॉपिक में, तब तक के लिए धन्यवाद।